हाय गाइस, तो स्वागत करते हैं हम आपका एक और नए मजेदार ब्लॉग के अंदर। आज हम आए हैं दिल्ली के ऐसी मशहूर प्लेस पर जहां हम आपको दुनिया के सातवें अजूबे एक ही जगह दिखाने वाले हैं। तो गाइस, ब्लॉग बड़ा मजेदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास ही में आपको बेल आइकन दिखा हुआ उसे प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए टाइम को वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है वो लोकेशन जिसके बारे में मैं बता रहा था, वेस्ट ऑफ वंडर। यहाँ इसके एंट्री गेट है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर। समीर भाई एंट्री गेट पे खड़े हुए हैं, और आज एक और हमारे फ्रेंड हमारे साथ हैं, ये मोनू भाई। मोनू से हाय। सो अभी यहाँ से टिकट ले लिया है, डन, अब एंटर होते हैं। गाइज, इसका जो टिकट प्राइस वगैरह तो थोड़ा बता दो समीर भाई। भाई इसके टिकट प्राइस संडे के हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन है। मतलब अगर संडे को कोई आता है तो उसको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर नॉर्मल डेज में आता है तो 50 रुपीज़ पर हेड है भाई। मतलब नॉर्मल डेज में 50 रुपीज़ का टिकट। चलो, मतलब वर्किंग डेज जो है उसके अंदर 50, और जो वीकेंड है उसमें 100 रुपीज़ का टिकट हो जाता है, स्पेशली ऑन संडे। सो गाइज, यहाँ से ये लोकेशन स्टार्ट हुई है। सामने ये कुछ कैफेटेरिया सा लग रहा है। यहाँ आप आ सकते हो अपनी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे आराम से कुछ भी खा पी सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं सिंबल्स, ये आप देख सकते हो, ये बना हुआ है। इसके थ्रू आप इसे फॉलो करते करते वंडर्स के पास पहुँच जाओगे। ये सिंबल दे रखे हैं कि हमारे को इस जगह पे निकलना है। मतलब ये जो सिंबल दे रखा है, तो यहाँ से आपको देख सकते हो इस पे लिखा हुआ, अब ये सिंबल पे एंट्री। अब यहाँ से अब हम चलते हैं आगे, एंड यहाँ पे ये बैठने के बने हुए हैं गाइस, जगह के यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो इनके ऊपर। और बड़ी प्यारी सी शांति सा माहौल है, सुमसाम सी पड़ी हुई है। ये एक फाउंटेन है, ये अभी तो बंद है, डोंट नो ये कब चलता है कैसे चलता है, बट अभी तो फिलहाल बंद है। बाकी चलते हैं आपको आगे लेके, और एंड यहाँ पे गाइज ये बना हुआ है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हो, पिक वगैरह क्लिक कर सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट टोटल ओनली ऑन वुड का दे रखा है, और वुड में भी बहुत अच्छी वुड दे रखी है, वो बैम्बू टाइप। हाँ, आप देख सकते हो, थोड़ा सा उमेर भाई थोड़ा व्यू क्लियर करवा दीजिए। आप देख सकते हो सारा बैम्बू से बना हुआ है गाइस, और यहाँ पे ये चेयर्स भी बनी हुई है नीचे, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो। कोई आपको इशू नहीं रहेगा, ना किसी तरीके की दिक्कत आएगी बैठने में, ना कोई ज्यादा देर तक थोड़ा सा दर्द होता है, जैसे कि बैठ जाओ तो पेन होने लग जाता है, वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल वाला हिसाब है बिल्कुल। आपको हाँ, बस इतना कंफर्टेबल भी नहीं है कि गाइस अब यहाँ पे सो जाएंगे, लेकिन वो नहीं कर सकता बंदा कोई। हाँ, यहाँ लेट के सो नहीं सकते, बाकी आप बैठ सकते हो, बैठ के बड़ा कंफर्ट फील होगा। देन चलते हैं आपको लेके पहले मॉन्यूमेंट की तरफ। दिस इज कॉल्ड पिरामिड। आपने इजिप्ट में देखे होंगे गाइस, ये पिरामिड्स बने होते थे एंशियंट इजिप्ट के अंदर। भाई इसके अंदर जाना है? थोड़ी सी इसकी डिटेल ये है, इनसे जो इसमें थोड़ी हमारा ये कहना होता था कि ममीज रहती थी इसके अंदर। हाँ, मतलब ममीज को दफना दिया करते थे कि बरीड होती थी, उसी के पिरामिड बन जाते थे। हाँ, तो पिरामिड वो शोन हमारा इजिप्ट की वही दे रखी है इसके अंदर चीज। हाँ, आप देख सकते हो गाइस, ये पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा पिरामिड है, और टोटल जितना भी है ये भी ओनली वुड का बना हुआ है हमारा। हाँ, लाइटिंग इस हिसाब से दे रखी है। अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज जाके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है गाइस, टोटल लकड़ी से बना हुआ है, और ये पिरामिड की शेप इसमें बना रखी है, और इसके अंदर जो लाइटिंग है उससे तो गाइज ये और भी मस्त लग रहा है। तो यहीं से गाइज अब लेके चलता हूँ मैं आगे आपको दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ से रास्ता है, अच्छा रास्ता बना ही इस तरह से रखा है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी भारत दर्शन की, तो उसमें भी इसी तरह से मॉन्यूमेंट बना रखे थे कि आप जिस तरह से चल रहे हो चलते चलते पहुँच जाओगे। अब ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में चल रहे हैं दोनों आगे, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। और ये रहा यहाँ पे ये दूसरा मॉन्यूमेंट, जिसे कहा जाता है लिंगिंग टावर ऑफ पीसा, जो थोड़ा टेढ़ा सा है, थोड़ा सा इस साइड में है। हाँ, थोड़ा सा ये हल्का सा झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ को, बाकी दिख तो बड़ा प्यारा सा रहा है। तो गाइस ये आपने देखा, ये था लिंगिंग टावर ऑफ पीसा। अब इसके बाद लेके चलेंगे इसका एक थोड़ा सा छोटा और एंगल व्यू ले देख लीजिए इसको। हाँ, बाकी अब चलते हैं आपको लेके दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ। बाकी गाइस यहाँ पे ये है कि आप चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पे माहौल थोड़ा सूम शाम सा है, और रात में आप आओगे तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग एटमोसफियर है वो बहुत अच्छा है।
बाकी आप देख सकते हो ये चारों तरफ, और अच्छा सा यहाँ पे माहौल है, काफ़ी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं जो आके पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ पिक वगैरह क्लिक कर सकते हो। बाकी चलते हैं आपको लेके दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, तो यहाँ से चलते हैं गाइस दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। ये आपको दिखेगा आईफल टावर, जो पेरिस में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ख़ास तौर पर मतलब कहा जाता है कि इसके अंदर इतना लोहा लगा है कि मैं बता नहीं सकता कितना, वो आप गूगल पर देख लेना। लेकिन बहरहाल बिल्कुल डिक्टो कॉपी बना रखा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वेस्ट का बना हुआ है। बाकी अब आपको पास से भी हम आपके दिखाते हैं जाके। बाकी गाइस ऐसी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हो काफ़ी सारा पब्लिक है, लोग पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और आप लोग भी यहाँ आए हैं तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लोकेशन कैसी लगी। और बाकी अब हम भी थोड़ा सा यहाँ पे पिक वगैरह क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर दिखाते हैं हम आपको भी दूसरा वाला स्ट्रक्चर। सो अब चलते हैं फिर आगे लेके आपको दूसरे मोन्यूमेंट की तरफ, और बाकी ये देख सकते हो आप, ये पूरा आईफिल टावर है गाइस, बहुत ज़बरदस्त है, बस इसके ऊपर चढ़ने का मन कर रहा है। समीर भाई से बोल रहा हूँ, समीर भाई पता नहीं क्यों इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है। बाकी यहाँ से है दूसरे स्ट्रक्चर का रास्ता, लेके चलते हैं आपको दूसरी लोकेशन की तरफ। तो चलिए, वैसे यहाँ पे भी गाइस हर स्ट्रक्चर के पास ना बेंचेसेस रखी हुई हैं, वो इसलिए रखी हुई हैं ताकि आप लोग अगर थक जाओ या कुछ बात प्रॉब्लम हो जाए तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो, बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हो, दैन उसके बाद आप दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, यहाँ से रास्ता है। वैसे चांद के टाइम भाई चारों तरफ झाड़ियाँ मिल रही हैं, जंगल है भाई जंगल। अब इन झाड़ियों में क्या है क्या नहीं वो तो जाके देखना पड़ेगा। मोन भाई कुछ कहना चाह रहे हो? थोड़ा सा बोर्ड की तरफ हमारे भाइयों को थोड़ा ध्यान दिलवा दे कि पार्क में पान गुटखा और तंबाकू खाना और थूकना मना है, सख्त मना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखे कि नेचर की ब्यूटी जो है ना उसको थोड़ा सा स्पॉइल ना करे। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी जगह पे आते हैं पान गुटखा बीड़ी लेकर अंदर आ जाते हैं और फिर बाद में थूक देते हैं यहाँ, तो इस चीज पे। सो गाइस अब जो स्ट्रक्चर की तरफ हम जा रहे हैं इसका नाम है कॉलेजियम, और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मोनू बताएगा। तो थोड़ा आगे चलिए और समझ गए, थोड़ा सा इसको दिखाइए। ये हमारा एंशियंट टाइम पे जो हमारे थोड़े से अरीना होते थे, अरीना जो वो इस टाइप की बनी हुई होती थी, फाइटिंग अरीना। ओके। और ये हमारी जिस जगह पे हो वो है हमारी जगह इटली। अच्छा। इटली में एक रोम नाम का शहर है, उस शहर के अंदर ये स्थित है, अगर आप लोग जाना चाहो वहाँ पे इसको देख सकते हो पूरा। और इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर वन टाइम पे ना कोलोसियम के अंदर 65,000 बंदे ऑडियंस यानी कि 65,000 मतलब फाइट देखने के लिए आती थी, मतलब इतनी पब्लिक इसमें आ सकती थी। कैपेसिटी इतनी है कि इसके अंदर आराम से 70,000 से 80,000 लोग अंदर जा सकते हैं। आप इसके बारे में और इसमें किस तरह की फाइट होती थी आप, मतलब एंशियंट टाइप की फाइट लाइक जैसे हॉर्स राइडिंग या फिर हमारा जो आप देखते हैं बाहुबली में देखी होगी घोड़ों पे लड़ रहे होते हैं, इस टाइप की फाइटिंग होती थी यहाँ पे, आपने काफी सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखी होगी। बाकी एक बार इसको समीर भाई पूरा चारों तरफ से दिखा दो। सो गाइस आप देख रहे हो गए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया समीर भाई ने पूरा, इसकी पूरी डिटेल हमने दिया। बाकी आप यहाँ आओ इसके साथ पिक्स वगैरह क्लिक कर सकते हो। बाकी इसको एक बार थोड़ा पास से और दिखा दो समीर भाई, इसके अंदर जो ये होल्स वगैरह बने हुए हैं। और इसी के साथ गाइस नीचे आप देख सकते हो कि लाइन ऑफ चेन है, इस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन है, आपको इसके बाहर से ही रुकना पड़ेगा। और बाकी सो गाइस ये था हमारे पीछे एक स्ट्रक्चर कोलैप्स जो हमने आपको दिखाया, अब लेके चलते हैं हम आपको दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे पब्लिक के बैठने के लिए स्लॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पब्लिक बैठ सकती है आराम से। एंड बाकी गाइस यहाँ आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड पे है हमारे देश की आन मान शान ताजमहल। बाकी आप लोग सब जानते होंगे ताजमहल कब बना, किसने बनाया, सबको पता है शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। लेकिन गाइस वाकई में बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हो चारों तरफ से। बाकी यहाँ लाइन ऑफ चेन है, इसके आगे नहीं जाया जा सकता। और अच्छा जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो फुल टू फुल कॉपी बनाया है, जैसे बीच में एक पौंड भी है दे रखा है पूरा ताजमहल के साथ में सब कुछ। हाँ आप देख सकते हो पूरा पौंड वगैरह सब बना रखा है, और जो उसकी कलरिंग शेडिंग वगैरह है वो बिल्कुल डिटो वैसी ही है जैसे ताजमहल की हुआ करती है। बाकी आगे रहने वाली
फर्दर वीडियोस में आपको ताजमहल भी हम ज़रूर दिखाएंगे, बट फिलहाल अभी आप इससे काम चलाएं। तो ये तो है ताजमहल, आप देख सकते हो वाकई में बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं आगे जा नहीं सकता वरना आपको आगे ज़रूर जाके दिखाता। बाकी चलते हैं अब लेके आपको दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। बाकी क्या लगता है आगे क्या मिलने वाला है? I don't know. क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जगह में। हाँ वैसे जगह मस्त है, अगर जगह का फीडबैक हम आपको देंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अच्छी खबर। अच्छा ये है हमारे ये स्ट्रक्चर गाइस, मैं बताता हूँ इसको कहा जाता है, वो मतलब जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है ये आपका। इसको जो रियल प्रोनाउंसिएशन बोली जाती है इसको बोलते हैं रिडीमर रियो। हाँ रिडीमर रियो, जो कि ब्राज़ील में है, और ये ब्राज़ील में बहुत बड़ा इसका स्टैचू है, और ये जीसस क्राइस्ट का है। जो जीसस क्राइस्ट को आप लोग जानते होंगे तो ये जीसस क्राइस्ट का स्टैचू बना हुआ है। बाकी दिख तो बड़ा प्यारा सा रहा है, और ये इसके चारों तरफ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। एंड मतलब ये बनाया है जीसस क्राइस्ट के ऊपर, मतलब जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू है इस तरह से बना रखा है, और ये एक्चुअल में ब्राज़ील में लोकेटेड है। बाकी तो ये है इसका, मैं इसको अभी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो आप ये देख सकते हो ये सारा लकड़ी या वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है। हाँ यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं गाइस वो सारे वेस्ट मटेरियल के बने हुए हैं, तभी इस जगह का नाम वेस्ट ऑफ वंडर है। बाकी चलते हैं हम आपको लेके अब। सो गाइस ये चल रहे हैं हम। बाकी अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो गाइस यहाँ आने के लिए आपको जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो सराय काले खां का पड़ेगा, और सेकंड थिंग ये कि आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हो। अभी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स की आवाज़ भी हमारी वीडियो में सुनाई दे रही होंगी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पास में ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। तो अब चलते हैं आपको लेके दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ। ये रहा दूसरा स्ट्रक्चर, एंड इसके बारे में तो आई थिंक गाइस मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग देखते ही इसको पहचान जाओगे क्या है। ये गाइस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। हाँ सिटी ऑफ हेवन के नाम से भी जानते हैं लोग, सिटी ऑफ हेवन के नाम से जाने जाने वाली सिटी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ये लोकेटेड है। बाकी समुंदर के बीच में है, बिल्कुल टू कॉपीज की बनाई है। और दूसरी चीज़ मैं इसको थोड़ा पास से दिखाता हूँ गाइस, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। अगर आप देखो इसमें जो थोड़ी चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो टी स्टॉल से सामान लिया गया है, या फिर कप से, थोड़ा इन चीज़ों का यूज़ कर गया है। अगर आप इंस्ट्रक्शन वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर। हाँ गाइस वैसे एक चीज़ हम आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, ये रहा वो बोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको हर स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ में डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये स्ट्रक्चर क्या है, किसने बनाया, किसने बना, कब बना, ये सारी आपको डिटेल्स इस पे मिल जाएंगी। और थोड़ा वार्निंग और शोर कर दो नीचे, कृपया छुए नहीं। हाँ और ₹1000 का जुर्माना है अगर आपने इसको टच करते हो। वाओ वेरी डेंजरस, पास जाके अगर क्रॉस लाइन कर देता। हाँ, अगर आप तो वो जो का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, जो क्वेश्चन दे रहा है हमारा वो सही दे रहा है। हाँ कि ये जो आप देख सकते हो लाइन ऑफ चेन है, अगर आप इसको क्रॉस कर देते हो तो आप पे ₹1000 का फाइन है गाइस। आप इसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आएँ तो यहाँ बिल्कुल क्रॉस ना करें, बाकी आप यहाँ आके पिक वगैरह लें, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है। देन दिखाते हैं अब आपको दूसरा स्ट्रक्चर, यहीं से उसका रास्ता है। और ये एक छोटा सा गाइस पुल सा बना रखा है, और यहाँ पे एक छोटा सा ये वेल बना रखा है गाइस, आप देख सकते हो इस पे से ये पानी आ रहा है। ये गाइस देख सकते हो वाटरफॉल्स बना रखा है, पानी इतना क्लियर है। और गाइस इसके अंदर आप देखो तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं गाइस ये सिक्के हैं, लोगों ने यहाँ विशेष मांग रखी है। मोनू भाई अंदर उतरो, आज हम अमीर होके जाएंगे यहाँ से। अरे कार्ड खड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे, मतलब गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नीचे से मैं थोड़ा दिखाऊं, ये सारे जितना भी आपको दिख रहा होगा ये सारे कॉइन्स हैं, लोगों ने यहाँ कॉइन्स डाल के अपनी मन्नतें मांग रखी हैं। समीर भाई भी कॉइन डालेंगे और यहाँ मन्नत मांग के देखते हैं। समीर भाई मांगो, क्या मांगना है गाइज? ये समीर भाई ने मन्नत मांगी, और ये कॉइन पानी में।
तो अब चलते हैं गाइस, दिखाता हूँ दूसरी साइड पे मैं आपको क्या हाँ है। ये गाइस यहाँ ये सारा वेल का पानी निकल रहा है और एक छोटा सा ये दोबारा फिल्टर होके दोबारा वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। बाकी ये चलते हैं अब आपको लेके आगे की तरफ। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद यहाँ से अब ये एग्जिट हो गए हैं हम। यहाँ से अब वापस हम वहाँ आ गए जहाँ हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि कैफेटेरिया है। कैफेटेरिया में आप लोग आ सकते हो। ये सारा यहाँ से कैफेटेरिया का पोर्शन स्टार्ट है। सामने ही आपको, क्योंकि उन्हें भी पता है आप इतना स्ट्रक्चर घूम कर आए हो तो आपको भूख लगने लगी होगी। एंड यहाँ पे गाइज ये सब वे बना हुआ है, यहाँ से आप चाहो तो बैठ के कुछ खा पी सकते हो। बाकी यहीं से एग्जिट है। बस गाइज यहाँ पे इतना ही है, बाकी ये सब है। अब चलते हैं एग्जिट की तरफ। सो ये था गाइज वेस्ट ऑफ वंडर। सो गाइज ये था वेस्ट ऑफ वंडर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइज, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा देना गाइज। सो गाइज आज के लिए तो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी यू गाइज।